जी हाँ दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि शिवा इनू का शिवा स्वैप तो आया था, लेकिन शिवा स्वैप का सेकंड वर्जन भी आना था जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। लेकिन इसको लेकर बहुत लंबे समय से अपडेट भी नहीं आया था। अब फाइनली कोई ना कोई अपडेट आया है शिवा के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले जब शिवा स्वैप आया था, इसी की वजह से मार्केट में शिवा इनू की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। शिवा इनू ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था। अब ऐसा ही दूसरा कारण अब बनेगा शिवा स्वैप 2.0। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण अब फिर से हमें बहुत अच्छे गेंस मिलने वाले हैं शिवा इनू में। हम देख सकते हैं कि शिवा इनू की जो वैल्यू है वो लगभग वैसी कंसिस्टेंट चल रही है, 0.50 से और उसके बाद 8 और 9 पहुंच जाता है कई बार। तो यहाँ पे एक जीरो तो रेगुलर बेसिस पर कम होती रहती है, लेकिन हम कम से कम 3 से 4 जीरोस और भी कम देख सकते हैं आने वाले समय के अंदर। यानी कि शिवा इनू हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, जिसको हम 1000 या 10000% तक भी मान सकते हैं। तो आखिर इनके रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बताया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शिवा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो करंटली मार्केट में जो सबसे ज़्यादा हाई बनी हुई है शिवा इनू की, वो ये है कि इन्होंने अपना सेकेंड एडिशन निकाला है शिव मैगजीन का, जिसमें 3000 फ्री NFTs का गिव अवे भी किया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लेम योर फ्री NFT कवर के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पे अपने NFT का भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसकी पूरी अपडेट यहाँ पे दी गई है। पैकमैन के नाम से NFTs है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट 3000 यूजर्स के लिए ही दिया गया है। तो इस टॉपिक को लेकर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, हालांकि इनकी अपडेट आज ही आई है कि जो शिवा इनू है इन्होंने एमपैक फाउंडेशन के साथ टीम अप किया, और इसी कारण अभी NFTs मिल रहे हैं और मैगजीन के ऊपर भी इनका लेटेस्ट एडिशन में बहुत ज्यादा नाम आया है। अभी वैसे हम जो मेन बात करने वाले वो ये कि शिवा स्वैप का 2.0, जिसके बेसिस पर हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है शिवा इनू में। तो शिवा की मार्केटिंग मैनेजर हैं ल्यूसी के नाम से, जिन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर शिवा इनू के बारे में बात करी है कि शिवा स्वैप का जो 2.0 है वो अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो अभी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं जब शिवा स्वैप का फर्स्ट वर्जन आया था, और इसकी बात रिसेंटली जो करी गई थी वो अप्रैल महीने के अंदर करी गई थी, यानी कि अभी तक फाइनल लॉन्च हो जाना चाहिए था, और इसी के दौरान हमें बहुत अच्छी हाइप मिली थी शिवा इनू में, लेकिन अभी तक ये नहीं आया है। और वैसे भी अगर हम शिबेरियम की बात करें, शिवा की बात करें, उनका ऑफिशियल डेक्स जो है वो सिर्फ शिवा स्वैप ही है, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि मार्केट में काफ़ी सारे डेक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप और भी बहुत ज़्यादा ऐसे डेक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो कुछ ना कुछ ऑफर्स भी देते हैं, और हमने बहुत बार शिवा स्वैप भी देखा है, और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अर्न करने के भी हैं, आप स्टेक भी कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो चुकी हैं, तो ये अपना जो शिवा स्वैप 2.0 लाना चाहते हैं उसको टोटली डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो इसको ये सोफिस्टिकेटेड डैप बनाना चाहते हैं, यानी कि सोफिस्टिकेटेड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि एक रेगुलर डेक्स से कई गुना आगे बढ़ चढ़ कर हो, यानी कि उससे भी कुछ एक्स्ट्रा हो। तो यहाँ पे एक और इन्होंने बात करी है कि वीव टुगेदर मल्टीट्यूड ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ आने वाला है, सिर्फ वही ऑप्शंस नहीं रहेंगे, जिस कारण इन्होंने शिवा स्वैप 2.0 जल्दबाजी में नहीं लाया मार्केट में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेक्स हो चुके हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता। वरना शिवा स्वैप का 2.0 तो आ जाएगा, हाइप तो बन जाएगी, लेकिन अगर कुछ नया नहीं डिलीवर किया जाएगा मार्केट में तो इसकी यूजेज ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हम पहले देख सकते हैं कि पहले हमें बोन ली शिप यानी कि जितने भी शिवा इनू के इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं उनको हम स्टेक कर पा रहे थे, उसके ऊपर अर्न भी कर पा रहे थे। तो इस वक्त जो शिवा इनू की जो आर्मी है या फिर इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी को कुछ नया मिल जाता है स्टेक करने को या फिर अर्न करने को, तो शिवा इनू को डायरेक्टली बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और जब ये बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ था तो उस वक्त $1 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड बन चुका था, यानी कि TVL 24 घंटे के अंदर लॉन्च के अंदर इतना ज़्यादा पहुँच चुका था। यानी कि अभी इनकी टीम को अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने श्योरिटी ये करनी है कि कुछ अच्छा डिलीवर करना है मार्केट में। एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि जो शिवा नेम सर्विस है जिसको हम SNS भी बोलते हैं, जो कि आइडेंटिटीज़ के लिए बनाया गया है, तो वो इनका सबसे पहला फीचर है SS2 का। अब यहाँ पे SS2 का मतलब ये है कि शिवा स्वैप 2.0, तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि वो एक फीचर तो ऑलरेडी आ चुका है शिवा स्वैप 2.0, चाहे फाइनली मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं धीरे धीरे मार्केट में आने शुरू हो चुके हैं।
तो हम देख पा रहे हैं कि अभी शिवा ने भी पिछले 24 घंटे के अंदर 7 से लेकर 10% का हमें प्रॉफिट दिया है और धीरे धीरे इसकी रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी कि शिवा स्वैप जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने वाला हूँ। आने से पहले आपको हर एक अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वही एक इसकी सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है जिससे शिवा इन बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट देने वाला है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमने मीम कॉइन, जो कि मीम ब्रांड का मीम कॉइन है, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसकी अपडेट्स भी मैंने आपको रेगुलर बेसिस पर दी हैं। तो मीम कॉइन की आज के हमारे इस वीडियो में बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको शिबा इनू की हर एक अपडेट देना चाह रहा था। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट अगर कॉइन्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर तो वो सोलाना रहे, यानी कि सोलाना की जो हाइप बनी है, सोलाना में जो प्रॉफिट मिला है वो 100% से भी ज़्यादा मिला है, यानी कि 2 गुना इसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे ही प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैटिक से और इसी के साथ साथ XRP से। ये 2 कॉइन्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक पूरी टॉप एल्टकॉइंस की लिस्ट लेकर आऊँगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।